नमस्कार, मैं रवि गुप्ता आपको जीएस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ, जो आपके पेपर की दृष्टि से यानी कि वाई ग्रुप वालों को सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जीएस में बात करें, अगर हम जीएस की बात करें तो इसमें दो तीन चीज़ों से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं, जिससे लेकिन आप लोग शुरुआत से ही इन सब चीज़ों के अलावा कहीं और फोकस किए रहते हैं। जैसे आप हिस्ट्री की नॉलेज तो रखते हैं, लेकिन आप हिस्ट्री में डीपली नॉलेज रखे रहते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती है। पॉलिटी की नॉलेज तो रखे हैं, लेकिन पॉलिटी में आप डीपली नॉलेज रखे रहते हैं। अगर एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करें तो आपको इतने डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको पढ़ना क्या है, तो आधुनिक चीज़ों से रिलेटेड यानी जिसे हम करेंट कहते हैं, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, तो हम करेंट कैसे तैयार करें या करेंट में हमें पढ़ना क्या है, किसी भी चीज़ को तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो पहली चीज़ है, आपको फ़ायदेमंद जो होती है करेंट, अगर देख रहे हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी मैटर आपको मिल रहा है, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसे हाल ही में मान लीजिए रॉलेट सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं और यह सत्याग्रह है क्या। क्योंकि आप देखिए, यह रिलेटेड है हिस्ट्री से, लेकिन इसको करंट में पूछेगा तो वो पूछ सकता है कि इसके 100 वर्ष पूरे हुए और यह कब हुआ था, क्या है यह रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में वर्तमान समय में सरकार द्वारा एक नए पद को लाया गया है जिसका नाम है लोकपाल। तो इनसे रिलेटेड आप दो तीन चीज़ें जान जाइए कि लोकपाल करता क्या है और लोकपाल का कार्यकाल क्या है। ज़्यादातर चीज़ें आपको पॉलिटी में ऐसे रिलेटेड पूछी जाती है। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है उसमें होता है लोकेशन। लोकेशन में क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका रिवर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, किसी फेमस प्लेस को पूछा जा सकता है, टूरिस्ट प्लेस हो या कोई भी प्लेस हो, रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ की बात करें, जो फेमस इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा हमसे कादो क्वेश्चन जो छूट जाते हैं, जो हम तैयार नहीं कर पाते हैं, वो होते हैं आपके एक्स्ट्रा करेंट से, वो होते हैं डेज, यानी कि जैसे दिवस, दिनों के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद से एकादो लेखकों की पुस्तकें पूछी जाती है, लेखक का नाम और पुरस्कार पूछे जाते हैं, कौन सा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप याद नहीं किए रहते हैं और ये सब चीज़ें आप करेंटली फोकस नहीं किए रहते हैं, जो आपको कन्फर्म नहीं हो सकता। जैसे नवीनतम में जितने भी आपके दिवस हैं वो आपको याद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी वो है जो आसानी से आप एक एक पॉइंट पकड़ सकते हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों में आप नॉर्मली जितनी भी तैयारी करनी चाहिए इन सब चीज़ों की, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की, वो आप करेंट पर आधारित करेंगे तो आसानी से आप सभी क्वेश्चनों को हल कर सकेंगे। ठीक है, धन्यवाद।